अब आगे हमें देखना है कि इटली के एक बहुत ही मशहूर रेवोल्यूशनरी थे गिसिपी मजीनी, उनके बारे में इटली के रेवोल्यूशन में इनका क्या योगदान था। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग द 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रूव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 के बाद जो टाइम था उसमें काफी सारे जो क्रांतिकारी थे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि अभी डर था जिस तरह से नेपोलियन को हटाया है उस तरह से इनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। लेकिन सीक्रेट सोसाइटीज काफी सारी बनी यूरोपियन स्टेट्स के अंदर, और ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इनको सीक्रेटली ट्रेन किया करते थे, अपने आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे। इस टाइम पर एक रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था कि आप कमिटेड हो किसके लिए, मोनार्कियल फॉर्म को अपोज करने के लिए, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद या कांग्रेस के बाद में वापस स्टार्ट हो चुकी थी, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी, और आप अपनी लिबर्टी और आजादी के लिए लड़ रहे हो। मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जितने भी क्रांतिकारी थे इनके मानना था कि अगर हमें अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना है, स्ट्रगल करना है, तो नेशन स्टेट का होना जरूरी है। अब ऐसे ही एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे गिसिपी मजीनी, जो कि जिनोवा में 1807 में इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। उसके बाद 24 की एज में, काफी यंग एज में, इनको जेल जाना पड़ा 1831 में, क्योंकि इन्होंने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन में अटेम्प्ट किया था। उसके बाद ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। उसके बाद इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, फर्स्ट थी यंग इटली मार्सिलेज में और दूसरी यंग यूरोप बर्न में, जिनके मेंबर्स सारे इन्हीं की तरह के दिमाग वाले लोग थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स थे। मजीनी का मानना था दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि ईश्वर ने हर नेशन को वहां रहने वाले लोगों के हिसाब से बनाया है, वो उनका नेचुरल प्लेस है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट, इसलिए इटली को भी स्मॉल स्टेट्स या किंगडम्स में डिवाइड ना होकर एक यूनिफाइड कंट्री के तौर पे रहना चाहिए। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, यही हमारी इटालियन लिबर्टी का बेस बनेगा। अब इसी मॉडल को फॉलो करते हुए काफी सारी सीक्रेट सोसाइटीज जो थी वो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में बनाई गई। मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, जिस तरह से बेबाक होकर, बेखौफ होकर मजीनी मोनार्की को अपोज करते थे, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो उनकी सोच थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लेकर, उसकी वजह से कंजर्वेटिव्स काफी उनसे डरते थे। अब जो ड्यूक मेटर्निक थे, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, इनका मानना था, ही डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। इनका मानना था कि हमारा जो सोशल ऑर्डर है, यानी हमारा जो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा है, इसका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है गिसिपी मजीनी।